तो स्वागत है दोस्तों आपको हमारे इसी 5 न्यू इन्फॉर्मेशन वाले चैनल पर। और आज का ये वाला जो वीडियो है ना, तो इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हीरो कंपनी की तरफ से आज से कुछ ही दिनों पहले जो हीरो एक्सपल्स 204B वाला जो मॉडल आया था, तो उसका ही अभी एक रैली वाला वर्जन आने वाला है। और इसके अलावा ये जो बजाज कंपनी का जो पल्सर N160 वाला जो मॉडल आज से कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ था ना, तो उसके साथ मैंने एक कंपैरिजन वीडियो किया RTR 164B का। और इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है ना, तो उसका अचानक से देखा गया है कि ये जो सेल्स है तो ये डाउन होता जा रहा है, तो इसके भी बारे में आगे बात करने वाले हैं। और इसके अलावा ब्लॉगर सत्यम गुप्ता ने एक माइलेज टेस्ट वाला वीडियो दिखाया है, जिसके अंदर अभी यही कुछ बताया जा रहा है कि ये जो हीरो पैशन एक्सटेक वाला जो मॉडल है तो वो 100 प्लस का माइलेज दे रहा है पर लीटर के हिसाब से। और इसके अलावा बजाज पल्सर N160 के साथ मैंने एक ऑन पेपर कंपैरिजन किया था बजाज पल्सर NS160 का, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। नंबर वन, ये जो हीरो कंपनी है ना, तो इनके तरफ से आज से बहुत दिनों पहले आया था हीरो एक्सपल्स 204B। और अभी के रेट में कुछ यही बोला जा रहा है कि ये जो हीरो एक्सपल्स 204B है ना, तो इसका भी एक रैली टाइप वेरिएंट आने वाला है, या फिर कह सकते हो रैली टाइप वर्जन अभी एक आने वाला है। और इसी वर्जन के ही अंदर हमें कुछ डिफरेंस चीजें देखने को मिलने वाले हैं इसी न्यू हीरो एक्सपल्स 204B वाले मॉडल के अंदर। बाकी तो इसी हीरो एक्सपल्स 204B के अंदर भी आपको जो ये पावर जो देखने को मिलेगा और ये जो इंजन देखने को मिलेगा इसी रैली टाइप वेरिएंट के अंदर, तो वो भी लगभग सेम ही होने वाला है। मतलब कि एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन जो कि 200 सीसी वाला है और 4 वेल्व वाला है। और ये वाला जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करने वाला है तो वो लगभग 19 BHP, और ये वाला जो इंजन मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करने वाला है तो वो है 17 Nm। बाकी तो इसी बाइक के अंदर आपको 5th स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलने वाले है। और इसके ही बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जो है ये आज से बहुत दिनों पहले मैंने बनाया था, तो वो वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख सकते हो। नंबर टू, ये जो बजाज कंपनी की तरफ से आज से कुछ दिनों पहले जो लॉन्च हुआ है बजाज पल्सर N160, तो उसके साथ मैंने एक कंपैरिजन वाला वीडियो किया है ये बजाज पल्सर NS160 के साथ। और ये जो वीडियो है ना, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाला वीडियो है। नंबर थ्री, ये जो हीरो कंपनी है ना, तो इनके तरफ से कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ है हीरो पैशन एक्सटेक। और अभी अभी ब्लॉगर सत्यम गुप्ता ने एक जो माइलेज टेस्ट वाला जो वीडियो किया है ना, तो उसके अंदर दिखा कुछ अभी ऐसा ही गया है कि ये जो हीरो पैशन एक्सटेक वाला जो मॉडल है तो इसका माइलेज जो निकल के सामने आ रहा है ना, तो वो 100 प्लस का है, मतलब कि पर लीटर के हिसाब से 100 प्लस का माइलेज है। तो ये जो चीज है ना, तो इसका भी अगर वीडियो आपको देखना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ब्लॉगर सत्यम गुप्ता का, मतलब चैनल का। नंबर फोर, अभी अभी एक न्यू चीज सामने आया है जो कि है ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है ना, या फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है, मतलब कि इलेक्ट्रिक वाला जो भी टू व्हीलर्स है, तो उनका जो सेल है ना, तो वो दिन प्रतिदिन डाउन की तरफ ही जा रहा है। और अभी के डेट में कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि ये जो सेल जो अभी गिर रहा है ना, तो इसके पीछे जो मेन वजह है तो वो है ये स्कूटर्स के अंदर आग लग जाना, या फिर ये जो स्कूटर्स का जो क्वालिटी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी जो है, तो ये बहुत ही ज्यादा बकवास बनाना, मतलब कि लगभग यही सारा कुछ सीन है जिसके वजह से ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो सेल है तो वो दिन प्रतिदिन डाउन की तरफ जा रहा है। नंबर फाइव, ये जो बजाज कंपनी की तरफ से आज से कुछ दिनों पहले जो बजाज पल्सर N160 वाला जो मॉडल आया था ना, तो उसके ही साथ हमने एक कंपैरिजन वाला वीडियो किया है ये अपाची RTR 164B के साथ। और ये जो चीज है ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, मतलब ये सही बाइक जो है तो वो चुनने के लिए। और अगर वो वाला वीडियो देखना है तो लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख सकते हो। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।